दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, मंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी बड़ी पठान की सफलता के बाद मुझे लगता है कि सारी बाइकर टीम को रेड चिल्ली लगी होगी, रेड चिल्ली रेड चिल्ली। शाहरुख भाई, शाहरुख को कुछ फायदा नहीं हुआ भाई, पठान फिल्म से बड़े जुगाड़ से पैसे आते थे, बहुत मुश्किल से स्ट्रगल कर करके चाय की दुकान पे काम करता था मैं। हेलो वन मैनी में दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों पठान पहले दिन पे आए थे सुनील पायल जी पठान देखने के लिए गेटी गैलेक्सी में, और आज 10वां दिन है, बम्पर हिस्टोरिकल कलेक्शन कर दिया है। पहले तो सबसे पहले स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। इनके साथ में है हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी, सर आपका नाम आलम, आलम जी, एंड हमारे एक्सपर्ट केनी सर। शुरुआत करूंगा मैं विजय जी, सुनील पायल जी आए स्वागत में, क्या कहना चाहोगे? अरे इनको देखे तो पहले लोग हंसी हंस लेते हैं। अच्छा क्या बोले हम, जब भी आता हमको ऐसा लग रहा है कौन आ गया। तुमको देखा मुझे याद है ये रतन नोरा की, हमेशा वही याद है रतन नोरा, आज हमारे साथ में खड़े, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अब इनसे ही पूछे, ये अपने स्टाइल में बताएंगे क्या कलेक्शन हो गया। यस यस यस, कलेक्शन पे मैं पूछना चाहूंगा सुनील पायल जी को, लेकिन कलेक्शन और कनेक्शन गेटी गैलेक्सी का इनका क्या है? सबसे पहले ये कह रहे हैं आए थे ना मुंबई में, सबसे पहले फिल्म यहाँ पे देखी। यस, और हमने भी जब अपनी इंडस्ट्री की स्ट्रगल की शुरुआत की थी 15-17 साल पहले, तो सबसे पहले यहाँ ही फिल्म देखने आते थे। ये PVR वगैरह आज चालू हुए हैं, तो स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हुई है। G7 मल्टीप्लेक्स ये हमारा फेवरेट स्पॉट है राइट फ्रॉम स्टार्ट। यस, ये अभी लाइव भी कर रहे थे सुनील पायल जी, उसमें भी मैंने काफ़ी सुना कि सबसे पहले जब आए थे तो गेटी गैलेक्सी में फिल्म देखी थी, थोड़ी सी यादें आपकी यहाँ की, और फिर बाद में कलेक्शन पे बात करेंगे। गेटी गैलेक्सी में जब मैं आज भी आया तो मैंने पैर छुए और काफ़ी इमोशनल भी हो गया, क्योंकि उस वक्त भी मैं जब यहाँ से बाहर, औकात तो थी नहीं कि टिकट निकाल के फिल्म देखे, तो जुगाड़ में लगे रहते थे। और ज़माने में फिर फिल्म ने, क्योंकि थिएटर अकेला ही था यहाँ पे, तो ब्लैक बहुत होता था, तो कई बार ब्लैक से भी फिल्में देखी। ओके, और बड़े जुगाड़ से पैसे आते थे, बहुत मुश्किल से स्ट्रगल कर करके चाय की दुकान पे काम करता था मैं, कहीं से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया, दोस्तों के साथ में मिलके हम लोग फिल्में देखने आते थे। आलम ने भी बहुत बार फिल्म दिखाई मुझे, ये हमारा आज बहुत बड़ा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन चुका है। हमारी फिल्म अभी जो फिल्म आ रही गाली गलौज, उसका भी कॉस्ट्यूम इसी ने किया। ओके, गीतकार भी है, तो सारे दोस्तों की टीम मिलके आती थी, तो बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ पर देखी। और मनोज देसाई का दर्शन देख के लगता था यार बहुत ही कोई हॉलीवुड का कोई स्टार मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मनोज देसाई साहब ने खुदा गवाह फिल्म बनाई जी, बच्चन साहब के साथ फैमिली संबंध है उनके, वो जया जी उनके परिवार के साथ में, उनकी वाइफ के पारिवारिक संबंध है, तो एक इतने बड़े जब पता चलता था कि यार ये खुदा गवाह के प्रोड्यूसर ये है, तो मतलब समझते कि आप यकीन मानिए कि हमको लगता था खुदा यही है, खुदा यही है। फिल्म की आवाज़ क्वालिटी, पर्दे पर साउंड, डॉल्बी साउंड सबसे पहले यहाँ पर आया था, पब्लिक रिएक्शन बहुत अच्छा था। सांता क्रूज़ हम लोग देखने आते थे, सांता क्रूज़ खासकर, क्योंकि उस तरफ हालांकि मिलन टॉकीज थी, लेकिन मिलन टॉकीज भी बाद में बंद हो गई थी, फिर यहाँ पर आना पड़ा था। चंदन टॉकीज भी थी, लेकिन ये सब, ये तीनों टॉकीज से हमारा एक दिल से रिश्ता है, 3-in-1 बने हैं हम लोग। लेकिन गेटी गैलेक्सी में क्या होता था कि यहाँ पर समझो कोई फिल्म देखने आए और फिल्म का टिकट नहीं मिला तो कोई दूसरी फिल्म देख ली, तीसरी फिल्म देख ली, चौथी फिल्म देख ली, पांचवी फिल्म देख ली, मतलब तो 7 थिएटर है ना, 5G तो 6G तो अब आया है, ये 7G कब का ही है, गेटी है ना। तो मुझे ऐसा लगता कि ये, और आज बीच में फिर बहुत सारा गैप आया कि इस तरफ आने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उधर भी काफ़ी मल्टीप्लेक्स खुल गए, लेकिन पठान फिल्म की सफलता के जो डंके बज रहे हैं सब तरफ, बड़ा अच्छा लग रहा है। शाहरुख साहब को मुबारक हो, रेड चिल्ली को बहुत मुबारक हो, हालांकि बाइकॉट टीम वाले अभी भी मान नहीं रहे। अरे यार काय का फायदा हुआ, शाहरुख भाई, शाहरुख को कुछ फायदा नहीं हुआ भाई, पठान फिल्म से शाहरुख को कोई फायदा नहीं हुआ भाई। बोले क्या बात करें, 735 लाख 35 हज़ार 35 पैसे कमा चुके। अरे 35 पैसे भी नहीं कमाए भाई। बोले कैसे रहे, अंदर की बात है, इंडिया के शाहरुख ने पठान बनाई, अफगानिस्तान का साथ दिया ना, इंडियन होता तो फिल्म रिलीज कब करता, 26 जनवरी को, 25 जनवरी को काय को की, इससे पता चलता कि इंडियन नहीं है भाई, गड़बड़ है। तो इंडियन शाहरुख ने अफगानिस्तान के पठान की फिल्म बनाई, ऊपर वाले ने ऐसी लाठी घुमाई, फायदा अरबों का हो रहा है, अरबों का फायदा हो रहा है भाई,
शाहरुख किधर भी नहीं है, 35 पैसा भी नहीं कमाया, अरबों का फायदा हो रहा है। ऐसा इंडियन आदमी पठान पे फिल्म बनाएगा तो अरबों ही फायदा उठाएंगे ना, अब उनका दिमाग वहाँ चल रहा है। तो बायकॉट वाले बायकॉट हो गए, लेकिन इतना पैसा कमाने का मेरे ख्याल से 735 दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, मंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, हाँ एक हंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, फंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, और भैया बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, KGF का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड कहीं आसपास दिखना मत, शाहरुख भाई घूम रहे हैं, जहाँ दिखेगा रिकॉर्ड तोड़ देगा अगला पठान, पठान तोड़ देगा। लेकिन शाहरुख साहब से मैंने पूछा कि शाहरुख साहब ये बताइए कि इतना पैसा कमाया तो क्या कहना चाहेंगे बायकॉट टीम के बारे में। शाहरुख ने कहा ये जो बायकॉट टीम है इतनी बड़ी पठान की सफलता के बाद मुझे लगता है कि सारी बायकॉट टीम को रेड चिली लगी होगी। तुमने कहा शाहरुख भाई फिर आपसे प्यार करते हैं ये लोग, आई नो अपने ही है इनको मैं रेड चिली लगने के बाद तकलीफ नहीं होने दूंगा। तो फिर कोई मरहम निकाली, एक मरहम निकाली है बाबा रामदेव ने, तो जल्दी दीजिए, उसका नाम क्या है, पठांजलि। तो भैया किसी की नफरत मत करो, एक आया था बायकॉट वाला, आज बोले पोस्टर फाड़ दूंगा, लोगों ने उसको इतना फाड़ा कि उसी पोस्टर को ढाके घर पे गया, वही पोस्टर काम आया जिसको फाड़ने आया था, तो दूसरे का नुकसान सोचोगे तो नुकसान खुद का होगा। एक बोला मैं पर्दा फाड़ दूंगा, लोगों ने उसके हर कपड़े फाड़ दिए, खाली उसका छोटा पर्दा पड़ा बचा हुआ था, बोले इससे पहले ये फट जाए। तो नुकसान मत सोचो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिलकर लड़ेंगे नफरत के खिलाफ, और नफरत को देखिए दुनिया से विदाई। फिल्म आपको अच्छी या बुरी लग सकती है, अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मत देखिए, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर अच्छी लगी है तो खुद भी देखिए और को भी देखिए, किसी को देखने से रोकिएगा मत। जितने आलोचक हैं मैं सबको जानता हूं और मैं समझता हूं कि इनकी फेवरेट सब्जी क्या है, इसलिए क्रिटिक आलू चना आलोचना। तो भैया अपनी असली लाइफ में SR के बनिए, KR के मत बनिए। हालांकि KR के लव यू, वो भी इसकी तारीफ कर रहे हैं पठान की, बहुत तारीफ कर रहे हैं, और क्रिटिक्स होने चाहिए लेकिन आपको मुझे ऐसा लगता है कि विचारों से बातों से इस बात को रखिए, जैसे आप भी रखते हैं, KR के भी रखते हैं, और भी लोग कोमल नाटा भी रखते हैं, लेकिन पोस्टर फाड़ना, फला को आग लगा दूंगा, उसकी दाढ़ी नोच लूँगा, उसके कपड़े नोच लूँगा, हु आर यू, है ना, मतलब मैं समझता हूँ कि ये एक इंसान की कृति नहीं हो सकती, ये शैतान की विकृति होती है। तो भगवान ने हमें इंसान बना के भेजा है, क्यों आप शैतान बनना चाहते हैं, नर के भागीदार मत बनिए। फिल्म अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन फिल्म अगर आपको अच्छी लगी तो देश को प्यार कीजिए, कलाकारों को क्या, मेरे हिसाब से ये दर्शक है ना, ये हमारे माई बाप है, ये भीड़ नहीं लीड है, ये क्राउड नहीं प्राउड है, ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। क्या बात है, हंसाना मुश्किल काम नहीं है, हंसना मुश्किल काम जो जनता करती है, इसलिए इनको मैं प्रणाम करता हूँ कि हमारे पालन आ रही है, तो इनको मैं बहुत प्यार देता हूँ और हमेशा खुश रहें और फिल्में देखें जो आपको पसंद की है। सुनील जी, आगे की जो आने वाली फिल्में हैं, अभी बॉलीवुड का आपको क्या लग रहा है कि चल जाएगी गाड़ी, माहौल आ गया, माहौल बन गया, क्योंकि मुझे क्यों दिखाई देता कि मैं लाइव शोज करते रहता हूँ, पब्लिक के रिस्पॉन्स से पता चल रहा है, बीच में पब्लिक थोड़ी ठंडी हो गई थी, थोड़ी दुखी हो गई थी, क्योंकि पब्लिक का इतना नुकसान हो गया था मेंटली, हेल्दी लॉकडाउन से बहुत परेशान हो गई थी जनता, हम भी कलाकार, मैं अपने दुख से कम लोगों के दुख से ज़्यादा दुखी हो गया था और दुआ मांग रहा था कि यह मालिक सब ठीक कर दे, माहौल फिर से वैसा हो जाए, और अब वैसा होने के कगार पर है। पठान चल गई है, इसके पहले एक दो फिल्में और भी चल गई, दृश्यम भी चल गई, हमें तो अपनों ने नहीं लूटा, गैरों ने भी नहीं लूटा, सबने देखी हमारी फिल्म दृश्यम 2 और भर गया हमारा गागर लोटा से लोटा, ये फिल्म भी चल गई दृश्यम 2, लोगों ने बहुत देखी, भूल भुलैया चल गई और अब ये चल रही, तो मुझे लगता है कि माहौल फिर से बन गया है, और यस ऑफ कोर्स लाइव शोज़ में माहौल देखते मुझे ऐसा लगता है कि अब फिर से हम लोग के वही अच्छे दिन आने वाले जैसे हम सब ने सोचा था, और भगवान करे सभी क्या है, हर इंसान, हर दुखी इंसान के लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि वो फिर से अच्छा हो जाए। मैं तो बहुत संसार का सबसे दुखी आदमी इस वक्त है गौतम अडानी बेचारा, इतना दिन ब दिन उसको आज तीसरे नंबर पे आ गए,
आज 7वें नंबर पे आ गए, आज 10वें नंबर पे आ गए अडानी, आज 15वें नंबर पे। मेरे भाई बस करने तो भाई मेरे पड़ोस में की आवाज़ आएगी, सुनील भाई मुझे पहचाना, लेकिन गौतम अडानी क्यों 1750वें नंबर पे इतना खतरा ना हो, क्योंकि गौतम अडानी जो है वो भी मेहनती इंसान है, उन्होंने भी काम अच्छा किया। तो हमारा ये फितरत नहीं है कि हम किसी के दुख में हंसे, किसी के सुख में हंस सकते हैं, क्योंकि हमारा यही चाहिए कि किसी के दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो हमें सुख को बांटो ताकि बढ़ाए और दुख बांटो ताकि कम हो। आज हम आए खुशियां मनाने को, पठान का लव यू, आप सब जी हजारों साल केक काटेंगे पठान के लिए और पठान का केक काट के करेंगे कमाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा है आपका फैन सुनील पाल। एब्सोल्युटली आइए।